हमारे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं राशिद अली और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन टेक में, जिसमें हम आपको कराते हैं ताजी खबरों से रूबरू और साथ ही सुनते हैं आपकी समस्या, जो है आपकी समस्या उसका समाधान भी बताते हैं और आपको बताते हैं कि अगर आपकी जगह ये समस्याएं हो रही हैं जो कि टेलीकॉम कंपनियों से रिलेटेड हैं, तो आप इसका समाधान कैसे कर सकते हैं। अब ताज़ा अपडेट में आपको बताऊं कि आजकल हलचल क्या चल रही है, क्या क्या नई अपडेट आई है, टेलीकॉम कंपनी क्या कर रही है, कौन सी कंपनी आगे चल रही है, कौन सी कंपनी किससे पीछे हुई है, तो ये सभी मैं आज आपको बताऊंगा। और आप भी हमें रिप्लाई करना, आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स के ज़रिए बताना कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा और इसमें आप कौन सा अगर कनेक्शन यूज़ करते हैं तो वो कनेक्शन आपके लिए बेस्ट है, यानी कि वो कनेक्शन आपकी उम्मीदों पर खरा उतर रहा है, या फिर आप अपने टेलीकॉम ऑपरेटर से, यानी कि आप अपने कनेक्शन से, जो जिसका भी कनेक्शन आप पर है, आप उससे खुश नहीं हैं, तो आप क्या चाहते हैं। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आजकल जियो ने एक अजीब तहलका मचाया हुआ है। आप देखते हैं कि जब से जियो आया है तब से वो कुछ ना कुछ रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। 2 साल हो गए जियो को आए हुए और जियो लगातार एक के बाद एक रिकॉर्ड कायम कर रहा है, यानी कि बाकी टेलीकॉम कंपनियों के हौसले पस्त कर रहा है। इसी के लिए जियो से लड़ने के लिए और अपना मुकाम बनाए रखने के लिए हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने मर्ज किया, अपने आप को मर्ज होने का फैसला लिया। दोनों ने मर्ज हो गई हैं और इसके बाद एयरटेल भी लगातार एक के बाद एक प्लान ला रही है। और कंपनी की बात करें, BSNL लगातार प्लान ला रही है, तो केवल इसलिए कि वो किस तरह मार्केट में बने रहें और जियो को कंपटीशन देते रहें। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही कोई प्लान लाते हैं उसके फौरन बाद जियो उनसे सस्ता प्लान ले आता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जियो लगातार जब से आई है तब से तोहफे पे तोहफे वो दे रही है और इसके बाद भी वो अपने यूज़र्स को और या लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने में विश्वास करती है। इसके लिए भले ही उसे कितना ही कम दामों में प्लान क्यों ना लाना पड़े। तो मैं ताज़ा अपडेट में अगर आपको बताऊं तो सबसे पहले 2 खुशखबरी हैं। मैं आपको बताऊं कि ये जियो वालों के लिए, जैसे कि वोडाफोन आइडिया और एयरटेल को छोड़कर जियो नंबर 1 पर आ सकती है, और नंबर 1 पे किस लिए आएगी ये मैं आपको बताऊंगा अपने आगे आगे आने वाले वक्त में। जी हाँ, और दूसरी है जियो वालों के लिए, रिलायंस लॉन्च करेगा जियो पेमेंट बैंक। इस पे काम जो है वो शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर आता हूँ कि आखिर कैसे जियो बन सकती है नंबर 1 पे, तो मैं आपको बता दूँ वोडाफोन आइडिया ही है। सबसे पहले जो है वो एयरटेल थी, देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी, और उसके बाद जब इन दोनों ने मर्ज होने का फैसला लिया और दोनों का मर्जर हो गया तो वोडाफोन आइडिया बन गई और अब जियो का नंबर है। तो ये जियो के लिए सबसे बड़ी सौगात है। मैं आपको बताता हूँ कि टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो के ग्राहक लगातार बढ़ रहे हैं, या आप भी आसपास देखते होंगे, क्योंकि वो बेनिफिट्स इतने देती है। और अगर इसी तरह जियो आगे बढ़ती रही तो वो आपको बता दें कि वो खूब आगे चली जाएगी। और मैं आपको दिसंबर की रिपोर्ट बताता हूँ, दिसंबर की तीसरी तिमाही के दौरान कंपनी के साथ जो लोग जुड़े हैं वो 3,70,00,000 लोग जुड़े हैं, और वहीं इससे पहले अगर तिमाही की बात करें तो उसमें 2,87,87,00,000 लोग जुड़े हैं। अगर जो इसी गति से बढ़ता रहा, यानी कि जो इसी स्पीड से बढ़ता रहा, इसी रफ्तार से बढ़ता रहा, तो वो सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी जो कि वोडाफोन और आइडिया प्राइवेट लिमिटेड है उसको भी पीछे छोड़ सकती है। अगर आप जियो का कनेक्शन है, आपके पास जियो का कनेक्शन है, आप जियो की सिम चलाते हैं, तो आपको पता होगा कि पहले आपको नेटवर्क प्रॉब्लम आती थी, शायद अब नहीं आती होगी, क्योंकि जियो के नेटवर्क बेस्ट बताए जाते हैं। मैं तमाम प्रोग्राम करता हूं, उसमें भी जो आप लोगों के कमेंट आते हैं उसमें आप लोग लिखते हैं जियो इज़ द बेस्ट, क्योंकि जियो आपको कम दामों में पूरा प्लान यूज़ कराता है, पूरा प्लान प्रोवाइड कराता है, और उसके बाद भी जियो की दरें सस्ती हैं, नेटवर्क अच्छे हैं। तो मैं आपको और बात बताऊं कि इस मामले में विशेषज्ञों का क्या कहना है। जियो ने ग्राहकों को अपने साथ जोड़ने के लिए अगर यही स्पीड जारी रखी तो वो 2018 के आखिरी तक, यानी कि एंड, वैसे तो ये साल ख़त्म होने वाला है, और जब तक वो एक बड़ी कंपनी बनकर उभर कर सामने आने वाली है। तो वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि पिछली तिमाही में जियो का कुल रेवेन्यू एयरटेल के वायरलेस रेवेन्यू को पार कर सकता है। जी हाँ, ये बड़ा मुकाम जो कि ये हासिल कर सकता है।
और इसके अलावा और भी अपने जो कि और भी इसमें बात कही जाती है, अपने सब्सक्राइबर का बेस बढ़ाने पर जियो फोकस कर रहा है। वैसे तो सभी कंपनियां होती हैं जो अपने सब्सक्राइबर को बढ़ाना चाहती हैं, अपने यूजर्स को बढ़ाना चाहती हैं, अपने ग्राहकों को बढ़ाना चाहती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस समय चल रही है और सबसे तेज़ी से जो चल रही है वो है सिर्फ जियो कंपनी। जी हाँ, अगर इसकी मैं अगर आपको और अपडेट दूँ तो और ये कौन सा तोहफा देने वाली है। ये तो बात हुई कि कंपनी अपने यूजर्स को जोड़ने के लिए क्या कर रही है, कि कंपनी अपने और बेहतरी के लिए क्या कर रही है, यूजर्स को कैसे जोड़ रही है। तो वो यूजर्स को साफ ऐसे ही जोड़ रही है कि अपने एक के बाद एक प्लान ला रही है और सस्ते प्लान ला रही है और दूसरी कंपनियों को टक्कर देने के लिए, ताकि दूसरे जो लोग हैं, बाकी जो यूजर्स हैं और टेलीकॉम कंपनीज के यूजर्स हैं, उनको भी अपने पास खींच रही है। यानी कि कहने में कोई दो राय नहीं कि औरों के कम और जियो के यूजर्स तेजी से बढ़ रहे हैं, और अगर इसी स्पीड से बढ़ते रहे तो जियो सबसे बेस्ट, सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि रिलायंस जो कि REL लिमिटेड, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पेमेंट्स बैंक सर्विस लाने वाली है जो कि ग्राहकों को और ज़्यादा सहूलियत देने वाली है। इसे औपचारिक लॉन्च से पहले कंपनी अपने कर्मचारियों के साथ इसकी टेस्टिंग कर रही है, यानी कि इस पर काम कर रही है। मीडिया रिपोर्ट में जो बात सामने आई है उसमें रिलायंस ने अपने कर्मचारियों के बीच जियो पेमेंट्स बैंक सेवा के बीटा लॉन्च की शुरुआत की है, क्योंकि इससे कंपनी को अपने नेटवर्क में आई कमी को सुधारने में मदद मिलेगी। यानी कि जो भी आपको अभी दिक्कतें आई हों नेटवर्क में, जो भी दिक्कतें आई हों, अब आपको वो भी दिक्कतें नहीं आएंगी। कंपनी ने 3 साल पहले औपचारिक लॉन्च से पहले रिलायंस जियो के साथ इसकी चर्चा की थी। तो वहीं अगर मैं आपको और बताऊं तो इसमें जो है कि रिलायंस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच 70:30 के रेशियो में जियो पेमेंट्स के बैंक के गठन को लेकर जॉइंट वेंचर की शुरुआत की गई है, और इसमें देखना होगा कि और कि क्या क्या आपको मिल सकता है। और पेमेंट बैंक चलाने के लिए 8 लाइसेंस मिले थे, यानी कि जो पेमेंट बैंक चलाने वाले हैं उसके लिए लाइसेंस मिले थे। पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रिलायंस जियो के योजना प्रमुख अंशुमन ठाकुर ने कहा था कि हमने जियो पेमेंट्स बैंक के लिए बीटा टेस्टिंग शुरू कर दी है और हो सकता है वो जल्दी आपको मिलने लगे। कंपनी सेवा को लेकर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से टेस्टिंग कर रही है, यानी कि जियो अपने यूजर्स को ताबड़तोड़ तोहफे दे रही है। अब मैं सवाल आपसे करता हूँ कि आपको कौन सा कनेक्शन पसंद है, आपको कौन सा नेटवर्क पसंद है। जैसा कि जियो अभी भी अपनी बेहतरी के लिए काम कर रही है, जो कि नेटवर्क संबंधी प्रॉब्लम्स हैं वो आपको और नहीं देखने को मिलेंगी। यानी कि ये तो कहना है कि एक टाइम में सबसे पहले एयरटेल, जो कि देश की नंबर वन टेलीकॉम कंपनी थी, उसको पछाड़ा वोडाफोन और आइडिया ने, जो कि वोडाफोन आइडिया प्राइवेट लिमिटेड हुई। और अब इसके बाद नंबर आ गया है जियो का। जी हाँ, जियो को इन कंपनियों की तरह बहुत दशक नहीं हुए हैं, बहुत लंबा टाइम नहीं हुआ है। जियो अभी हाल ही में 2 साल पहले शुरू हुई, और 2 साल में ही एक कोई कंपनी इतना बड़ा मुकाम हासिल कर ले, यानी कि अच्छी अच्छी कंपनियों को बीट कर दे, अच्छी अच्छी कंपनियों को पीछे छोड़ दे, यह हर किसी के बात नहीं, क्योंकि रिलायंस जियो ने वो कर दिखाया है। और रिलायंस जियो देश के कोने कोने में है। अब देखना होगा कि आखिर रिलायंस जियो और कौन कौन से मुकाम हासिल करता है, क्योंकि ये तो मैंने आपको अपनी रिपोर्ट में बताया कि किस तरह से यूजर्स उसके बढ़ रहे हैं। उसे देखकर तो यही लगता है कि रिलायंस जियो जल्द ही एक बड़ी कंपनी उभर कर सामने आएगी, और बड़ी कंपनी का मतलब कि वो वोडाफोन आइडिया को भी यूजर्स के मामले में पीछे छोड़ सकती है, अगर उसकी यही स्पीड रही तो। क्योंकि कुछ महीनों से रिलायंस जियो के लोग रिलायंस जियो को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और इससे बहुत जुड़ रहे हैं। और अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको भी अपने टेलीकॉम संबंधित कोई भी परेशानी है या अपने नेटवर्क से कोई परेशानी है तो वो हमें बताइएगा, और आप किसको ज़्यादा प्रिफेयर करते हैं, किसको ज़्यादा आप अच्छा समझते हैं, वो कौन सी कंपनी है, क्या वो एयरटेल है, क्या वो वोडाफोन आइडिया है, क्या वो जियो है। जी हाँ, क्योंकि हम आपकी बात लेकर जाते हैं दुनिया के सामने, और आप अपनी राय के साथ अपने एरिए का नाम ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम जब बताते हैं तो ये हमारे चैनल पर और भी बड़े लोगों की नज़रें होती हैं और वो देखती हैं कि आखिर उन्हें कहाँ से कैसा रिस्पांस मिल रहा है, किस जगह उनकी ज़्यादा परेशानी है। अगर आपको परेशानी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस एरिए से, जो कि आप उस एरिए से कंप्लेंट कर सकते हैं, उस एरिए से हमारे चैनल के माध्यम से कंप्लेंट कर सकते हैं, हमारे चैनल पर आप कमेंट कर सकते हैं कि कहां पर किस प्रकार की समस्या है, और हम आपकी बात ले जाएंगे सबके सामने, तभी पता चलेगा कि आखिर कहां पर किस तरह की प्रॉब्लम है, नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर कोई और रीज़न है जो कि प्रॉब्लम है,
इन सभी बारे में आप बता सकते हैं। और साथ ही बताइए कि आपको हमारे प्रोग्राम कैसा लगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आखिर हमारे बारे में भी, और अपने आप जो जिस कंपनी का आप सिम यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में भी, कि आपको कौन सी सिम बेस्ट लगती है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर मुलाकात होगी, देखते रहिए नेक्स्ट नाइन टेक। नमस्कार।